नमस्कार धन्यवाद बच्चा बढ़िया मैं आज बहुत खुश हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने तीसरी बार जो है मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं इस विश्वास के ऊपर खरा उतरूँ। इसको लेकर 64 विधानसभा के अंदर लंबे समय 2018 के हारने के बाद में लगातार जो है मैं पहला प्रत्याशी हूं कि 2018 में हारने के बाद में धन्यवाद यात्रा निकाली। और ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ी कि बहुत ही कम अंतराल से हारा। कार्यकर्ताओं के अंदर इतना दुख हुआ कार्यकर्ताओं को, वो 7 दिन तक मेरे घर प्रतिदिन जो है 500-600 कार्यकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा रहता था। हारने के बाद में बहुत कम होता है कि लोग आकर कहीं ना पूछते हैं। फिर मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बीच में आऊँगा आपको धन्यवाद देने के लिए। उसका कारण ये, कोई अंतराल ज़्यादा नहीं रहता। पद्माराम जी को, कांग्रेस को 85,000 वोट आए और मुझे 81,000 वोट आए, ज़्यादा अंतर 4200 वोटों का ही केवल अंतर था। और मैं प्रत्येक बूथ के ऊपर गया और वहाँ जब मैं धन्यवाद देने के लिए गया तो एक बूथ ऐसा भी था जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 4 वोट आए थे। उस जगह मैंने खड़ा हुआ धन्यवाद देने के लिए, तो उन्होंने कहा साहब हमने तो आपको वोट दिया नहीं, धन्यवाद किस बात का आप दे रहे हो। मैंने कहा 4 वोट तो आए हैं वहाँ, तो वो तो लोग है ही, उनको भी और आपको भी साथ साथ में धन्यवाद दे देता हूँ, कोई बात नहीं। तो कोई 4 भी आए हैं वो भी कहीं और गलती से कोई खटका दबा हुआ होगा, तो मैंने कोई बात नहीं, आने वाले समय के अंदर आप कहीं और वोट देना, मैं आपको इसीलिए कहीं और धन्यवाद देना। और उस जगह मैंने पंचायती राज चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पंचायत समिति का सदस्य वहाँ से जीता। और पंचायती राज चुनाव के अंदर हम यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से 4 पंचायत समितियाँ है, जिसमें 2 प्रधान जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ प्रचंड बहुमत से जो बनाए, और 2 प्रधान केवल हमारा धनऊ का प्रधान, 2 वोट से हम पीछे रह गए। छेड़वा का प्रधान, हम 1 वोट से हम पीछे रह गए। जिला परिषद की हम यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की 64 विधानसभा के अंदर 6 सीटें हैं, जिसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से कहीं ना जीती है। और आप सबको पता है बाड़मेर जिले के अंदर उस समय जिले का दायित्व भी मेरे पास में था, तो हम जो है पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 18 पूरे जिले के अंदर जिला परिषद की सीटें जीती। हम जिला प्रमुख नहीं बना पाए, परंतु उप जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का हमने बनाया। और लंबे समय से जो मैं प्रत्येक घर तक जो पहुँचा जनता की आवाज़, और यहाँ बाड़मेर के भी मेरे मिलने वाले मेरे जो वेलफिशर है उन लोगों का भी सबका आशीर्वाद था कि बाढ़ आधूरा ने हमके टिकट मिलनो चाहिए, हमके बार कहने मौको है। और वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी मेरे ऊपर विश्वास जताया, और निश्चित रूप से जो है आने वाले समय के अंदर जो है जनता की आवाज़ बनकर मैं उनके बीच में रहा हूँ, और जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसेगा, संत महात्माओं का आशीर्वाद। एक अभी पंचायत का जो यहाँ उद्घाटन हुआ था लील सर के अंदर, पूज्य जगदीशपुरी जी भी वहाँ पधारे थे। कई लोगों ने मुझे कहा कि बाप जी ने वहाँ कांग्रेस का कहा है, परंतु जब मैं जाता हूँ संत का स्वभाव कैसा होता, मैं जाता हूँ तो मेरे सर के ऊपर ही जिस तरह से ऐसे यूँ हाथ फेरते हैं, तो मेरे ऊपर उनका जो आशीर्वाद रहता संतों का हमेशा रहा है। अच्छा, पिछली बार भी मैंने कहा था और मोहनपुरी जी की मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार क्या रिजर्वेशन तरह तरह के अंदर हुआ एसी का, तो पहले गाँव वालों ने लगभग इकट्ठे होकर एक आदमी का सुग्गाराम करके एक आदमी उसका तय कर लिया, और फिर कई लोगों के जैसा नहीं। अब पंचायती राज चुनाव में तो ऐसा होता ही है, अब बाप जी को कहा और बाप जी को वहाँ बिठा दिया और कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और बाप जी को कहा कि भाई आपके वो इस खेताराम को वोट देना है। बाप जी ने कहा भाई मेरा तो कहना है कि इन्हें खेती वोट दे, अपन के थार जीत ही सुगियो।
तो संतारो मेरे ऊपर खेनो आशीर्वाद है। बिल्कुल संत महात्माओं का तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा। अच्छा, मोहनपुरी जी की यदि हम बात करें तो मेरा जो व्यापार है, व्यापार के अंदर भी मेरी अच्छी कहीं ना सब लोगों के आशीर्वाद से प्रतिष्ठा है मेरे व्यापार में भी। तो मोहनपुरी जी बाप जी खुद जब संसार में थे तो यहाँ मेरे गले के ऊपर दो दो तीन तीन घंटा बैठते थे और ये अपना जो है प्रतिष्ठान समझते थे और मेरे ऊपर संतों का था अपार जो आशीर्वाद है और मैं उस आशीर्वाद के जो है ऊपर आने वाले समय के अंदर हम चौटन पूर्व विधायक जी का आशीर्वाद है कि नहीं, उनसे आपके संबंध बड़े खटास वाले बताए जाते हैं मेरे कहीं कहीं पर आपके बताए और उनकी सोशल मीडिया पे शायरियां भी कई आपके विरोध आती रहती है ऐसी। मेरे विरोध कहीं नाम लेकर उन्होंने कभी कहीं ऐसा नहीं किया है। अब उनको शायरी अंदाज, उनका शायरी अंदाज है और मेरे हमेशा कहीं उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है और मेरे ऐसा मेरी हमेशा बातचीत होती है। मैं उनके घर भी कहीं ना आता जाता रहता हूँ। मेरे अच्छे मधुर मेरे साथ रहेंगे और ये जीत जो होगी ये तरुणाई कागा जी की जीत होगी मेरी नहीं। आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर जिले के अंदर जो है हमारा यदि 4 विधानसभा है और चारों हम जो है प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और 54,50,000 प्लस ये मैं जो है आप सबके आशीर्वाद से और संतों के आशीर्वाद से ये सब होने वाला है। धन्यवाद।